रेडी 3, 2, 1 शुरू। ये हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या महिलाओं के साथ समानता और सम्मान की कोरी बातें ही हैं? प्रश्नवाचक। यह सवाल करना उस समय और ज़रूरी हो जाता है जब महिलाओं को भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ताकत देने के बजाय किसी शिक्षा मंदिर में उनका उत्पीड़न किया जाए। विराम। उत्पीड़न भी इस किस्म का जिसके लिए शर्मनाक शब्द भी फीका पड़ जाए। विराम। गुजरात के भुज शहर में संचालित एक आवासीय शिक्षण संस्थान में छात्राओं के मासिक धर्म की जांच के नाम पर जो कुछ किया गया उससे तो यही लगता है कि महिलाएं कब कहां और किस रूप में यौन हिंसा का शिकार हो जाएं, यह कहा नहीं जा सकता। विराम। एक और देश भर में महिलाएं तरक्की की नित नई इबारतें लिखने में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर भुज के इस शिक्षण संस्थान में जो हुआ और अब तक जो हो रहा था उससे लगता है कि लिंग भेदभाव की मानसिकता हमारे धार्मिक सामाजिक संरचना के जाल में बुरी तरह हावी है। विराम। पैरा। भुज में सहजानंद कॉलेज में पिछले दिनों 68 छात्राओं के मासिक चक्र की जांच के लिए उनके कपड़े शर्मनाक तरीके से उतरवा लिए गए। विराम। हॉस्टल में इस्तेमाल किया गया सैनिटरी पैड मिलने के बाद जांच के नाम पर यह सब कुछ हुआ। विराम। हैरत की बात यह है कि इस संस्थान में निःशुल्क सैनिटरी पैड देने के लिए मशीन तक लगाई गई है। विराम। शर्मनाक तथ्य यह भी है कि इस संस्थान में महावारी के वक्त ऐसी लड़कियों को न केवल अलग रखा जाता था बल्कि उन्हें पास के मंदिर में भी जाने की अनुमति नहीं थी। विराम। यहाँ तक कि उनके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखे जाते थे। विराम। गत 11 फरवरी को मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली यह घटना शायद सामने नहीं आती यदि कुछ पीड़ित लड़कियों ने मीडिया को आप बीती न सुनाई होती। विराम। आनन फानन में कॉलेज प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन और दो महिला सहायकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। विराम। जांच कमेटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप भी दी। विराम। राष्ट्रीय महिला आयोग तक ने संज्ञान लिया है। विराम। और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बातें संस्था प्रबंधन की ओर से भी की जा रही है। विराम। लेकिन जांच में आए इस तथ्य का जवाब कौन देगा कि ऋतु चक्र के दौरान छात्राओं को हॉस्टल में सबके साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती? प्रश्नवाचक। बड़ा सवाल यह है कि मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने व जागरूकता
कार्यक्रमों के लिए महिला आयोग जैसी संस्थाएं आगे क्यों नहीं आतीं? प्रश्नवाचक, यह घटना तो सामने आ गई, विराम, ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी, इसे कौन सुनिश्चित करेगा? प्रश्नवाचक, जब भी इस तरह के मामले होते हैं पहले उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, विराम, उजागर होने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर जो कुछ होता है वह किसी से छुपा नहीं है, विराम, कहीं ऐसा न हो कि भुज के इस प्रकरण में भी जांच के नाम पर लीपा पोती ही होकर रह जाए, पूर्ण विराम।